पिछले चंद दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, बर्फबारी हो रही है। इसी सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा कि खासकर मेंढर सब डिवीजन के अंदर जो जिस तरह से जो है शदीद पावर कट्स हो रहे हैं और प्रोलॉन्ग जो है वो पावर कट्स हो रहे हैं, मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब से कि कोशिश की जाए कि आवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक तरफ से बारिश हो रही है, एक तरफ से बर्फबारी हो रही है और दूसरी तरफ जो है से लोगों को जो है बिजली जो मुहैया करानी चाहिए जिस तरीके से वो नहीं हो रही है। तो खासकर मेरी गुजारिश रहेगी कि इस वक्त मैंने जो मेरे सुनने में आया है और जो मैंने देखा है वो ये कि काफी लोगों के जो घरों को भी नुकसान पहुंचा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे कार्रवाई की जाए और खास तौर से वो लोग जो इस वक्त जरूरतमंद हैं उन तक पहुंचा जाए और कोशिश ये की जाए कि इस वक्त पानी और बिजली की जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होना चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि लगातार पावर और वाटर सप्लाई जो लोगों तक पहुंचे।